गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड बना स्टंटबाजों का अड्डा। रोड पर स्टंटबाजी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हाथ में डंडा लेकर कार की डिग्गी पर बैठा युवक। कानपुर में सरकारी जमीन खाली कराने पहुंची राजस्व की टीम को महिला ने चप्पल लेकर दौड़ाया। वीडियो वायरल। पुलिस ने समझा बुझाकर महिला को शांत कराया। बरेली में बेखौफ दबंगों ने मामूली विवाद में घर में घुसकर मां बेटी और बेटे को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। मारपीट की घटना का वीडियो हो रहा वायरल। पड़ोस के रहने वाले दबंग ने की पिटाई। मीरगंज थाना क्षेत्र के जोनैर गांव की घटना। बरेली में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह के बेटे सड़क हादसे में बाल बाल बचे। मंत्री का ड्राइवर भी सुरक्षित। बाइक को बचाने के चक्कर में गड्ढे में गिरी थी कार। ब्लॉक प्रमुख है कैबिनेट मंत्री के बेटे दुष्यंत। लखीमपुर खीरी में सड़कों पर निकले योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना और दानिश आजाद। शहर की गंदगी पर मंत्री जी ने लगाई फटकार। सैनिटरी इंस्पेक्टर का 2 दिन का वेतन रोकने के आदेश। यहाँ के लोग इसे जहाँ जहाँ गए हैं वो साफ होना चाहिए। इसमें गैंग लगवा के इसको साफ करवाओ। समझ गए नहीं? हाँ, हम पूछवाएंगे। हमें रिपोर्ट 3 दिन के बाद बना के दीजिए। 3 दिन के बाद हमें रिपोर्ट चाहिए कि क्या हुआ यहाँ। गाजियाबाद में नहीं रुक रही चेन स्नेचिंग की वारदात। इंदिरापुर में मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला से बदमाश चेन छीन कर हुआ फरार। सीसीटीवी में आरोपी की तस्वीर सामने आई। हरदोई में आपस में भिड़े कई लोग। मामूली विवाद के बाद पहले हुई गाली गलौज फिर मारपीट। काफी देर तक चलता रहा हंगामा। वीडियो वायरल। कछोना कोतवाली के मोहल्ला रेलवेगंज का मामला। सीतापुर में 2 साल से फरियाद करते करते थक चुका शख्स पेड़ पर चढ़ा। लेखपाल पर काम न करने का आरोप। 2 साल से दफ्तरों के चक्कर काट रहा था शख्स। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने उतारा। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में परिषदीय स्कूल में बच्चों को दूध में दिया गया पानी। शिकायत लेकर पहुंचे स्कूल अभिभावकों ने उठाए सवाल। कहा ऐसे दूध से बच्चों को नहीं मिलेगा पोषण। शिक्षक ने झाड़ा पल्ला। शौचालय में भी लगा था गंदगी का अंबार। मिर्जापुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कंपोजिट विद्यालय मुंहकुचुआ के चपरासी को निलंबित किया। स्कूल के छात्रों से काम कराने के आरोप में कार्रवाई। गैस सिलेंडर लाने के लिए प्रधान अध्यापक ने विद्यालय के चपरासी को भेजा था। चपरासी ने स्कूल के 4 छात्रों से साइकिल पर स्कूल पहुंचवाया सिलेंडर। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। चोपता उखी मठ कुंड मोटर मार्ग संसारी के पास हुआ ये ध्वस्त। मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह से बाधित। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में अदालत ने दिया बड़ा फैसला। मुस्लिम पक्ष के सर्वे न कराने की मांग को किया खारिज। कोर्ट के आदेश से मुस्लिम पक्ष को लगा झटका। अदालत ने कहा कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा नहीं हटाए जाएंगे। अजय मिश्रा के साथ 2 सहायक कमिश्नर को लगाया गया है। विशाल सिंह और अजय प्रताप होंगे सहायक कमिश्नर। शासन और प्रशासन के सहयोग से कार्रवाई होगी। पूरे इलाके की वीडियोग्राफी भी होगी। कोर्ट ने 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करने का दिया आदेश। 17 मई से पहले सर्वे का काम करना होगा पूरा। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा सर्वे का काम। सर्वे के दौरान दोनों पक्ष मौजूद रहेंगे। सुनवाई के दौरान अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि सर्वे का विरोध और काम में रुकावट पैदा करने वालों पर मुकदमा दर्ज होगा। पक्षकारों के सहयोग नहीं देने पर भी जारी रहेगा सर्वे। सर्वे की कार्रवाई के दौरान अगर दोनों में से कोई एक कोर्ट कमिश्नर एब्सेंट रहता है तब भी कार्रवाई होगी। यूपी के मदरसों में अब जरूरी होगा राष्ट्रगान। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड ने जारी किया आदेश। सुबह क्लास शुरू होने से पहले होगा राष्ट्रगान। ताजमहल के 22 कमरों को खोलने वाली मांग खारिज। ये याचिका खारिज कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि व्यवस्था का मजाक न बनाए। बीजेपी कार्यकर्ता रजनीश सिंह ने हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल की थी याचिका। जल निगम भर्ती घोटाले में सपा विधायक आजम खान की सीबीआई कोर्ट में हुई पेशी। आजम पर अभी आरोप तय नहीं। एसआईटी के दस्तावेज अधूरे। एसआईटी ने सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए मांगा समय। आजम खान की अगली पेशी 7 जून को मुकर्रर। पेशी के बाद आजम के वकील ने कहा है कि सरकारी पक्ष की कॉपी में कमियों की वजह से आजम खान पर अभी आरोप तय नहीं हुए हैं, जिससे कोर्ट ने 17 जून की तारीख अब अगली सुनवाई के लिए दे दी है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा कर सकते हैं आजम खान से मुलाकात। इसी हफ्ते हो सकती है दोनों नेताओं की मुलाकात। बसपा सुप्रीमो मायावती भी आजम खान के समर्थन में उतरी। ट्वीट कर लिखा कि 2 सालों से जेल में बंद कर रखा है। न्याय का गला घोटना नहीं है तो क्या है।
मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ा झटका। चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने के मामले में अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक की मांग वाली अर्जी खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की अर्जी को खारिज किया। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत को दिए हैं निर्देश। मूल बात से जुड़ी सभी अर्जियों का निपटारा 4 महीनों के भीतर करने को कहा। हाईकोर्ट ने मूल बात की सुनवाई में किसी भी तरह के दखल देने से इनकार किया। ब्रजभूषण सिंह के बाद अब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में से राज ठाकरे को लेकर उठ रही आवाज। राज ठाकरे को लेकर अब एक गाना भी रिलीज हो गया है। इस गाने के जरिए राज ठाकरे से माफी मांगने की मांग कर दी गई। अयोध्या पहुंचे सांसद ब्रजभूषण सिंह ने एक बार फिर से राज ठाकरे पर निशाना लगाया है। ब्रजभूषण ने फिर से कहा है कि राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी मांग ले तो उनका अयोध्या में स्वागत किया जाएगा, संतों से माफी मांग ले तो भी माफ कर दिए जाएंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई, एक ही रास्ता है, उत्तर भारतीय से माफी मांगो, नहीं मांग सकते हो तो संतों से माफी मांगो, उनसे भी नहीं मांग सकते हो, अगर मोदी जी के करीब जाना चाहते हो तो उनसे ही माफी मांग लो। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपनी सरकार पर उठाए सवाल का। 80% लोन बड़े बड़े पूंजीपतियों को दिया गया, केवल 9% लोन ही गरीबों, किसानों और नौजवानों को मिला। कहा देश भर में 1.5 करोड़ नौकरियों के पद खाली पड़े हुए। कानपुर में इंस्पेक्टर चकेरी का वीडियो वायरल हुआ है। थाने में आए एक भू माफिया को लस्सी पिलाते हुए दिखे इंस्पेक्टर। वायरल वीडियो में स्टूल पर बैठे हुए नजर आए हैं इंस्पेक्टर। भू माफिया के लिए लस्सी मंगवाई गई। छह करोड़ का हो सकता है यूपी का बजट। योगी कार्यकाल में सबसे बड़ा बजट लाने की तैयारी। बजट में भाजपा के चुनावी संकल्प पर रहेगा फोकस। खेती किसानी, युवा, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित होगा बजट। यूपी में 36,000 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती। अगले 6 महीने में 36,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी। सरकारी नौकरी में चयन प्रक्रिया को लेकर सीएम के निर्देश। चयन प्रक्रिया में 100 दिनों के लक्ष्य को पूरा करने को कहा। मेरठ पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। कहा यूपी में 6,000 अमृत सरोवर बनाने की कार्ययोजना। मेरठ में बनाए जाएंगे 75 अमृत सरोवर। कानपुर में बीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। प्राथमिक विद्यालय कौशलपुरी और ओम नगर को मिली है बिजली। स्कूल में अस्थायी रूप से केस्को ने बिजली की व्यवस्था की है। भीषण गर्मी में बिना बिजली पानी के ही पढ़ने को मजबूर है 90 छात्र। मथुरा में अवात्रों को लाभ दिए जाने के मामले में सहायक श्रम आयुक्त ने उठाया कदम। अपने ही विभाग के 10 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। आगरा पहुंचे उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री ने ताजमहल का दीदार किया है। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री पुरकत सिटिकोव ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ तकरीबन 1.5 घंटे ताजमहल में बिताए। फिरोजाबाद में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनता से चाय पर चर्चा की। सरकारी मेडिकल कॉलेज जाते वक्त दुकान पर चाय की चुस्की ली। इस दौरान डिप्टी सीएम को देखकर काफी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। शुक्रवार 13 मई को 2 दिन के काशी दौरे पर सीएम योगी विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। यहां जंगमबाड़ी और DAV कॉलेज में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सर्किट हाउस और कमिश्नरी सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। इसी महीने से कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की तैयारी। कैशलेस इलाज की सुविधा देने वाला पहला राज्य होगा यूपी। 22 लाख सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। यूपी के ACS गृह अवनीश अवस्थी के काम से सीएम धामी प्रभावित हुए हैं। गुड गवर्नेंस की बैठक में सीएम धामी ने अधिकारियों से की है चर्चा। धामी ने कहा कि अपर मुख्य सचिव अवस्थी ने सबका सम्मान किया। चारधाम यात्रा के दौरान अब तक 26 की मौत। रोजाना बढ़ रहा है श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा। यात्रा को लेकर बैकफुट पर सरकार और स्वास्थ्य विभाग। चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं की कमान संभालेंगे मंत्री धन सिंह रावत को केदारनाथ की कमान। सुबोध उनियाल को मिली है बद्रीनाथ धाम की जिम्मेदारी। धामों में कैंप करेंगे अधिकारियों और कर्मचारी से बनाएंगे संपर्क। रुड़की में भूमाफिया का बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा। पैसे लेने पर किसी और के नाम पर कर दी 25 बीघा जमीन। पीड़ित की तहरीर पर मामले की जांच कर रही है पुलिस। चंपावत उपचुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने नहीं उतारा कोई कैंडिडेट। नए अध्यक्ष ने कही थी प्रत्याशी उतारने की बात। संगठन की स्थिति मजबूत न होने पर लिया फैसला।
कानपुर में भाजपा विधायक सुरेंद्र मेथानी लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मंडल आयुक्त और डीएम को लिखा शिकायती पत्र, जांच कर कार्रवाई की मांग। धामी कैबिनेट की बैठक में 7 प्रस्ताव पास हुए हैं। सभी अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 3 गैस सिलेंडर निःशुल्क मिलेंगे। 1,84,000 राशन कार्ड धारकों को मिलेगा लाभ। हरिद्वार में दूसरे दिन भी अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। देवपुरा चौक से ज्वालापुर तक हटाया गया अतिक्रमण, कई दुकानों से सामान भी किया गया जब्त। चारधाम यात्रा पर बदइंतजामी से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी हैं। बद्रीनाथ धाम में पुलिस के खिलाफ तीर्थ यात्रियों की नारेबाजी का वीडियो वायरल। अधिकारियों के ग्राउंड मैनेजमेंट के दावे हवा हवाई। लखीमपुर खीरी में मंत्री सुरेश खन्ना ने जिले के विकास कार्यों का निरीक्षण किया। मंत्री के काफिले में सीएमओ को तेजी दिखाना महंगा पड़ गया। काफिले में शामिल पुलिस स्क्वाड की गाड़ी से टकराकर सीएमओ की कार क्षतिग्रस्त हो गई। औरैया में लाखों की शराब की गई है नष्ट। मालखाने में पड़ी शराब न्यायालय के आदेश के इंतजार में रखी थी। शराब की कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए बताई गई। कटरिया के गौचर में रेल परियोजना का कार्य कर रही मेगा कंपनी की ओर से लगाया गया क्रशर प्लांट, क्षेत्र के लिए बना मुसीबत। क्रशर प्लांट से उड़ रही धूल से हवा में घुल रहा है जहर, लोग कर रहे हैं बीमारी की शिकायत। किसानों के साथ अब महंगाई ने पशुपालकों की भी कमर तोड़ दी है। उत्तराखंड में भूसा महंगा हुआ है। भूसे के दाम दोगुने से ज्यादा हो गए। भूसे की कीमत 1,000 रुपए प्रति क्विंटल पहुंची। पौड़ी में भूसा महंगाई होने से पशुपालक परेशान। डीएम ने ईंट भट्टों पर भूसे के इस्तेमाल पर रोक लगाई, साथ ही भूसे की कालाबाजारी पर भी नजर रखी जा रही है। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाने वाले प्रेमी युगल की मौत। कानपुर के हेलेट अस्पताल में चल रहा था प्रेमिका का इलाज, प्रेमी ने रास्ते में ही तोड़ दिया था दम। लखीमपुर खीरी में स्कूल की बस पलटने में 2 बच्चे घायल। बस में 36 बच्चे सवार थे। बच्चों की माने तो ड्राइवर को नींद आने की वजह से हादसा हुआ। थाना मैलानी इलाके के गुलाब नगर का मामला। सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र के खजूरा गांव के पास बारातियों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। 3 लोगों की मौत, वाहन चालक सहित 2 की हालत गंभीर। जिला अस्पताल किया गया रेफर। मृतकों के शवों का कराया गया पोस्टमार्टम। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार ट्रक ने बच्चे की दवाई लेने जा रही पति पत्नी को रौंदा। दोनों की मौके पर मौत हुई। बाइक पर सवार बच्ची उछलकर दूर गिरने से बची। ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोला कोतवाली के दतौली गांव के पास यह घटना हुई। मेरठ में चाइनीज मांझे से गर्दन कटकर एक बाइक सवार की मौत हो गई। सड़क पर तड़पता रहा युवक। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई। ज्यादा खून बहने से युवक ने तोड़ा दम। बुलंदशहर में अमृत योजना के तहत सीवर मुतरे 2 मजदूरों में से एक की मौत से हलचल मच गया। डीएम ने परिजनों को मदद कर दिया भरोसा। कोतवाली देहात क्षेत्र के स्याना अड्डे का मामला। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार बोलेरो कार की ट्रक से टक्कर हो गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों में से 5 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। अस्पताल में भर्ती पुणे के रहने वाले थे कार सवार लोग। आगरा की तरफ से नोएडा जा रहे थे। जेवर टोल प्लाजा के पास हादसा हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने 5 लोगों की मौत पर जताया है दुख। मृतकों के परिजनों के प्रति शोक संवेदना जाहिर की है, साथ ही घायलों के उचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। हमीरपुर में देखा तेज रफ्तार का कहर। लोडर पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी। एक शख्स की मौत, 4 लोगों की हालत नाजुक। उरई मेडिकल कॉलेज हुए रेफर। ड्राइवर को नींद आने की वजह से हादसा हुआ। कानपुर में मानसिक विकसित दलित किशोरी के साथ रेप की घटना। आरोपी ने किशोरी के साथ कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। किशोरी के परिजनों को धर्म परिवर्तन के लिए धमकाने का भी आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। मेडिकल जांच में लड़की गर्भवती होने की बात सामने आई। बर्रा थाना क्षेत्र के गांव की घटना। अमरोहा के थाना बचरायू क्षेत्र में संपत्ति विवाद के चलते ससुर ने पेशे से अधिवक्ता बहू के सर में गोली मारकर लहूलुहान कर दिया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला अधिवक्ता की हालत खतरे से बाहर। पीड़ित की बहन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ससुर को हिरासत में लिया। पति पत्नी में चल रहा था विवाद। हरदोई में दूसरी शादी करने जा रहे पति की शिकायत लेकर एसपी के पास पहुंची पत्नी ने शादी रुकवाने की गुहार लगाई। पीड़ित पत्नी ने कहा कि 4 साल पहले पति ने मारपीट कर घर से निकाला, अब दूसरी शादी करने को तैयारी कर रहा है। 5 साल की बेटी के भविष्य की महिला को चिंता सता रही। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में पुलिस की गौ तस्कर से मुठभेड़ हुई है। 3 गौ तस्कर घायल हुए हैं। एक आरक्षी भी जख्मी हुआ है। मौके से 3 तमंचे, कारतूस समेत गौ तस्करी का सामान बरामद।
गोरखपुर मुठभेड़ में फरार दूसरा आरोपी भी 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार। 48 घंटे में 2 लूट की घटनाओं का पुलिस ने किया खुलासा। अवैध तमंचे बाइक के साथ फरार बदमाश को गिरफ्तार किया। टिहरी मलेथा हाईवे पर क्रैश बैरियर को निकाल रहे चोर चढ़े पुलिस के हत्थे। पुलिस ने 7 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दोनों से चेन स्नैचिंग की घटनाओं को इन दोनों ने अंजाम दिया था। लूटा हुआ माल भी पुलिस ने इनके पास से बरामद किया। ग्रेटर नोएडा में दबंगों का आतंक। दबंगों ने रोडवेज मामले में व्यापारी को चौकी परिसर के अंदर घसीटा। धारदार हथियार से हमला। डीसीपी ने लापरवाह चौकी इंचार्ज और एसआई को लाइन हाजिर किया। सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट और तोड़फोड़ हुई है। 7 छात्रों पर दर्ज कराई गई थी एफआईआर। शेख उन हिंद मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज का है पूरा मामला। आगरा के भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय पेपर लीक मामले में कार्रवाई। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बीएससी मैथ्स और जूलॉजी का पेपर हुआ था लीक। बोर्ड ने 3 छात्रों के मोबाइल से पेपर किया था जब्त। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय को जल्द ही अपना प्रशासनिक भवन मिल जाएगा। शासन से बजट के लिए मिली है मंजूरी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के पिथौरागढ़ और बागेश्वर कैंपस के स्टाफ को भी यूनिवर्सिटी के अधीन करने की कवायद तेज। टिहरी वन विभाग के 120 फायर गार्ड्स का मेडिकल इंश्योरेंस कराया गया, जिसके तहत फायर गार्ड्स और फॉरेस्टर को एक्सीडेंटल डेथ में 5 लाख और घायल होने पर 50,000 का मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। बरेली में आंधी के बाद हुई तेज बारिश से मौसम हुआ सुहाना। भीषण गर्मी से लोगों को मिली है राहत। पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी से थे लोग परेशान। सीतापुर में मौसम ने लिया अचानक करवट। तेज हवाओं के बीच झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। लोगों को गर्मी से मिली निजात। पूरे जिले की बिजली गुल। गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के भरूच में हो रहे उत्कर्ष समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। गुजरात की 2 बेटियों के डॉक्टर बनने का सपना सुनकर भावुक हुए पीएम। कहा, मेरी मदद चाहिए तो बताना। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद थे। मनरेगा फंड में घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग और कथुलिया माइंस केस में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से गिरफ्तार की गई झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी पूजा सिंगल को सस्पेंड कर दिया गया। राज्यसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। यूपी से राज्यसभा की 11 सीटों पर होगा चुनाव। उत्तराखंड से 1 राज्यसभा की सीट पर है चुनाव। 24 मई को जारी होगा चुनाव की अधिसूचना का काम। 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी वोटिंग और 10 जून को ही शाम 5 बजे होगी वोटों की गिनती। यूनाइटेड नेशनल पार्टी नेता रानिल विक्रमसिंघे आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री होंगे। वो आज शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनकी पार्टी ने इस बात की पुष्टि की। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। शेयर बाजार में लगातार 5वें दिन गिरावट दर्ज की गई है। 1158 अंकों की गिरावट के साथ 52,930 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 359 पॉइंट्स टूटकर 15,808 के लेवल पर निफ्टी की क्लोजिंग हुई। गुरुवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इस हफ्ते की दूसरी बार रिकॉर्ड निचले स्तर 77.55 पर पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजार में कमजोर रुख। तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी फंडों की निकासी से गिरी करेंसी। भारतीय सराफा बाजार में गुरुवार को सोने के दाम में मामूली इजाफा हुआ है। चांदी के गिरे हैं दाम। 79 रुपए की बढ़त के साथ 51,284 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोना। तो वहीं 990 रुपए की गिरावट के साथ 60,460 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी। सोशल मीडिया पर नए ट्रेंड को ज्वाइन करते हुए रूबीना दिलैक ने बीच पर बैठे हुए अपने नो फिल्टर लुक दर्शकों को दिखाया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए रूबीना ने कई हैशटैग भी यूज किए। बंगाली सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत ने हाल ही में कराया है बोल्ड फोटोशूट। बीच पर की है जमकर मस्ती। फैंस के साथ शेयर की है तस्वीरें। मां बनने के बाद भी फिट नजर आ रही है नुसरत। सोनाली बेंद्रे द ब्रोकन न्यूज ओटीटी पर डेब्यू करने जा रही है। द ब्रोकन न्यूज 2018 की लोकप्रिय ब्रिटिश वेब सीरीज प्रेस का भारतीय रूपांतरण होगा।
तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा की जोड़ी इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। अक्सर इस कपल को एक साथ स्पॉट किया जाता है। हाल ही में दोनों खतरा शो के लिए एक साथ पहुंचे थे, जहां सिल्वर कलर के आउटफिट में नजर आए तेजस्वी प्रकाश, करण कुंद्रा का भी फंकी लुक दिखा। फिल्म जीरो की असफलता के बाद शाहरुख ने इंडस्ट्री से लंबा ब्रेक लिया था, लेकिन अब उनकी एक के बाद एक फिल्में रिलीज होने जा रही हैं। फिल्म पठान की शूटिंग खत्म होने के बाद शाहरुख खान ने राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसकी शूटिंग के दौरान एक फोटो लीक हुई है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी नई फिल्म पृथ्वीराज के लिए काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। ऐसे में फिल्म का टाइटल सॉन्ग हरी हर भी रिलीज कर दिया गया है। इसी गाने को लेकर एक्टर अक्षय कुमार ने दावा किया कि इससे ज्यादा बेहतर ऐतिहासिक गाना उन्होंने पहले नहीं सुना। सिरसा, चेन्नई एक्सप्रेस और सूर्यवंशी जैसी बड़ी फिल्मों में काम कर चुके नितिन धीर पापा बन गए हैं। उनकी पत्नी और जानी मानी एक्ट्रेस कृतिका सिंगर ने बेटी को जन्म दिया है।